नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। और आपको बता दें कि जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। भोपाल में सीएम शिवराज समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो राजकीय सम्मान के साथ शरद यादव का अंतिम संस्कार होगा। कहा जा रहा है नर्मदापुरम के आखमाऊ गांव में अंतिम संस्कार होगा। तो भोपाल से सड़क मार्ग के जरिए रवाना हुआ पार्थिव शरीर और तस्वीरें भी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। पल पल की अपडेट और तस्वीर अब तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो भोपाल एयरपोर्ट पर आपको बता दें कि सीएम शिवराज यहां पहुंचे और उन्होंने जैसे ही पार्थिव शरीर यहां आया उसके बाद से उन्होंने यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय शरद यादव को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई और सीएम शिवराज के साथ तमाम दिग्गज नेता, मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता यहां पर मौजूद नजर आए। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। तो तस्वीरें आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब कहा जा रहा है कि भोपाल से पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि भोपाल से अब सड़क मार्ग के जरिए पार्थिव शरीर जो है वो रवाना हुआ है। आपको बता दें कि चार्टर्ड प्लेन से यहां पर परिजन समेत इस पार्थिव शरीर को भोपाल लाया गया। उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए। उन्होंने अपने जीवन को होम दिया था। वो ऐसे नेता थे कि जो गलत होता था वो उसका विरोध करते थे। उनकी दृष्टि से जो गलत था उसका विरोध करते थे और उन्होंने नैतिकता की भी राजनीति की। जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई और संसद का कार्यकाल 5 से बढ़ा के 6 साल कर दिया, तब शरद जी ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा ये कह के दिया था कि जनता ने हमें 5 साल के लिए चुना था, 6 साल के लिए नहीं। एक अद्भुत नेता जो अभी भी देश को बहुत कुछ दे सकता था, वो हमारे बीच से चले गए हैं। मैं उनके चरणों में अपनी ओर से, मध्य प्रदेश वासियों की ओर से, मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को, उनके अनुयायियों को, उनको चाहने वालों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। और आपको बता दें कि इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीताम्बर जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीताम्बर का रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पीताम्बर देखिए, अब भोपाल से पार्थिव शरीर जो है वो निकल चुका है सड़क मार्ग के जरिए। पार्थिव शरीर को नर्मदापुरम के उनके पैतृक गांव में, शरद यादव जी को उनके पैतृक गांव में ले जाया जा रहा है जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। पैतृक गांव में किस तरह की तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है? कितने बजे का समय बताया जा रहा है जब अंतिम संस्कार किया जाएगा? बिल्कुल करीब 2 बजे का समय उनके अंतिम संस्कार की पर भोपाल से सड़क मार्ग के लिए जो है उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जा रहा है उनके पैतृक गांव आगमू में। और यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके जो परिचित है उनका आना अब यहाँ पर शुरू हो गया है। जो उनके चाहने वाले हैं, उनके जो परिचित है वो यहाँ पर आ गए हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं और काफी लोकप्रिय नेता वो रहे हैं। इसके चलते जो है उनका जुड़ाव की भी जो जमीन स्तर के लोग हैं उनसे रहा कर सका। यहाँ पर अब उनके जो जाने वाले हैं वो उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, वो उनका पैतृक घर है, वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और उनके जो परिजन है अब वो यहाँ पर जिस जगह जहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वहाँ पर उनके सभी पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद जो लोग हैं वो अंतिम दर्शन कर उन्हें सुमन अर्पित करेंगे।
तो अब से करीब 1:30 या 2 बजे के लगभग उनका जो पार्थिव शरीर है वो सड़क मार्ग के जरिए उनके जो पैतृक गांव है आसो में लाया जाएगा। उनका जो बगीचा है जिस जगह से वो जब भी यहाँ पर पहुंचते थे वहाँ पर और टहलने के लिए जाते थे उस जगह पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है पितामह, ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार देखिए तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का आज अंतिम संस्कार होगा नर्मदापुरम के उनके पैतृक गांव में। उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है भोपाल से सड़क मार्ग के जरिए, उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आज शाम तक